विवेश पाई प्रस्तुत होते हैं जिसे 40 प्लस चेष्टा करिवे हेलो हेलो 40 स्केल के बाद खेलने वाले टीम 40 प्लस तो मैं चाहूंगा पुनः आप दोनों टीम के टीम कप्तान सना सिंह गुरु बना माचू के टीम कप्तान आप दोनों अपने खिलाड़ियों को जल्द से जल्द मेडिकल जोन में पहुंचाएं ताकि यह खेल समाप्ति के तुरंत बाद आप दोनों अपने खिलाड़ियों को मैदान में प्रवेश कराएं और अन्यथा आपको केवल 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ध्यान देंगे सोना सिंह ग्रुप के टीम कप्तान और आचू के टीम कप्तान 40 प्लस से फाइनल मैच खेलने के लिए। अगर आप रेफरी फिनाल के समक्ष और इस समय एक बेहतरीन पेनल्टी शूट आउट का नजारा शंकर कौन से खिलाड़ी जाएंगे जर्सी नंबर पोशाक जो अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं और ये लोग पोशाक पर जो टीम है ये एंडवा बना एफसी का टीम है और अभी अभी हमारे बीच से पुनः प्रकाश पूर्ति जी की आगमन हुई है। हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे इस मंच पर और दूसरा किक के लिए जो है पूरा आर्म पड़िया इनको दूसरा किक के लिए सौंपा गया है कप्तान के द्वारा और कमल बिल्कुल अपने पोस्ट पर तैयार है और अच्छी चकमा यहाँ पर हालांकि राइट फुट के इस्तेमाल करते हैं लेकिन यहाँ पर एक बेहतरीन चकमा कमल किशोर को कुमार के द्वारा गोल आती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक एक की बराबरी होगी और अगर गोलकीपर जो राम सिंह सोई इस गेंद को रोकने में सफल होंगे तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन एडवांटेज होगा अपने टीम अंडुआ बने के लिए। चलिए इसी के साथ साथ हमारे रेफरी पिपलिन में दोनों ही टीम उपस्थित हो चुके हैं। मैं पुनः आप सभी दर्शक भाइयों को मैं बता देना चाहूंगा जिसमें सोना सिंह ग्रुप बनाम आचू की मुकाबला के लिए दोनों ही टीम धीरे धीरे मैदान में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। हेलो 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 और इस तरह से इससे पहले जो हम लोग देखे थे जिसमें सेमीफाइनल का प्रथम खेल एमएस ब्रदर्स बनाम चंडीगढ़ बनाम अंडो अपन एफसी के बीच में अभी तक टाई ब्रेकर समाप्त नहीं हुई है इसीलिए मैं आप सभी दर्शक भाइयों को मैं नहीं बता पा रहा हूं। ऐसे राम श्रेय जी की आबुना 40 प्लस यानी 40 साल पर्व कर रहे सफेद को बनते हुआ फुटबॉल को नहीं करते हमको सफेद को नहीं तक बुढ़ो को गो में नहीं इनते आपो ना ऐसे बढ़िया सजाओ बजाओ करे ते पूरे तैयारी के साथ है गोड़ा बनार को आदु सिखा करना जो कि मरीज के टीम की अपना अपना जगह की जीत सिखा करना और इसी के साथ शंकर जी कौन सी टीम जीत दर्ज कर चुकी है।